को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारा भाषण ऊपर लिखे रहता है लेकिन उन भाषण से जो है थोड़ा सा हट के आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्या कहता है, बेसिक नॉलेज ये कहता है कि देखिए दो तरीके के हमारे पास रिजल्ट आते हैं, उन दो तरह के रिजल्ट का मतलब क्या होता है। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो दो तरीके का हो सकता है, यानी एक जो है एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि ETBR स्टेनिंग से भरा हो सकता है, और एक जो है वो ऑटो रेडियोग्राम यानी कि रेडियो एक्टिविटी से भरा हो सकता है। ETBR पे जो है वो लेबल्ड फ्रैगमेंट भी आपको विजुलाइज होते हैं और अनलेबल्ड फ्रैगमेंट भी विजुलाइज होते हैं। दोनों ही फ्रैगमेंट जो होते हैं वो आपके ETBR और ऑटो रेडियोग्राम पे विजुलाइज होते हैं, लेकिन ऑटो रेडियोग्राम पे सिर्फ और सिर्फ लेबल्ड फ्रैगमेंट ही विजुलाइज होते हैं। ठीक, यानी अगर ETBR और ऑटो रेडियोग्राम की तरफ देख पाए तो जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन होगा ETBR और आपके ऑटो रेडियोग्राम में जो कॉमन होगा वो आपके लेबल्ड होंगे। जो दोनों में कॉमन होगा वो लेबल्ड होंगे, और जो सिर्फ ओनली ETBR में होगा वो आपका अनलेबल्ड होगा। यही बात होती है। अब जब हम कभी किसी डीएनए की बात करते हैं तो कोई चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो या आपका लीनियर डीएनए हो, कोई भी आपके पास डीएनए हो, इनको जब आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं तो दो तरीके का एंड आपको मिलता है, या तो स्टिकी एंड मिलता है या तो ब्लंट एंड मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस एंजाइम से आपने इसको डाइजेस्ट किया है। अगर आप स्टिकी एंडेड एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तो स्टिकी एंड मिलेगा, और ब्लंट एंडेड एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तो ब्लंट एंड मिलेगा। स्टिकी एंड जो होगा इसी को ही लेबल किया जा सकता है, ठीक है, और जबकि ब्लंट एंडेड एंजाइम को लेबल नहीं किया जा सकता। जैसे अगर एक डीएनए की बात करें तो मेरे पास अगर एक डीएनए है, एक ब्लंट एंड एंजाइम का साइट है और एक स्टिकी एंडेड एंजाइम का साइट है। जब इसको एक ब्लंट एंडेड और स्टिकी एंडेड दोनों एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तो ब्लंट एंडेड वाला जो होगा वो आपका ब्लंट एंडेड जनरेट करेगा दोनों ही एंड पे जो फ्रैगमेंट टूट रहा है, जबकि स्टिकी वाला जो है दोनों ही एंड पे स्टिकी जनरेट करेगा जहां पे वो कट कर रहा है। किसी भी डीएनए के जो फाइनल एंड्स होते हैं जो नहीं दिए जाते, वो एज्यूम किए जाते हैं कि वो ब्लंट एंडेड होते हैं। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप देख पा रहे होंगे तो इसमें ये वाला जो फ्रैगमेंट है पहला वाला, ये ब्लंट एंडेड ही है दोनों ही एंड से, जबकि दूसरा वाला जो है वो एक एंड से स्टिकी है, मतलब एक एंड से वो लेबल हो सकता है, और लेबल्ड हो सकता है तो वो आपको विजुलाइज हो सकता है ऑटो रेडियोग्राम में भी और ETBR में भी। और तीसरा वाला जो है एक एंड से ब्लंट है लेकिन एक एंड से स्टिकी है, तो उस एंड से लेबल हो सकता है और ये आपका तीसरा फ्रैगमेंट लेबल्ड हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा लेबल्ड हो जाएगा जबकि पहला अनलेबल्ड है। ETBR में अगर आप इसको रन करोगे तो ETBR में आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑटो रेडियोग्राम में करोगे आपको सिर्फ दूसरा और तीसरा मिलेगा, पहला नहीं मिल सकता। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है यूज करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इन्होंने क्या बोला है कि ETBR में आपको चार फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली टोटल फ्रैगमेंट चार मिल रहे हैं, और चार मिलने का मतलब है कि यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होगा तो चार रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, क्योंकि इन सर्कुलर डीएनए एन इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, एंड नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट ही जो है नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स के बराबर होता है, जितना रिस्ट्रिक्शन साइट उतना ही फ्रैगमेंट। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे देखिए एक दो तीन है, तो यहाँ पे सिर्फ तीन ही फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। सिमिलरली यहाँ पे भी तीन ही साइट है तो तीन ही फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं, यानी ये ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ETBR में टोटल जो है वो चार फ्रैगमेंट मिल रहे हैं। सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सर्कुलर डीएनए कि तीन साइट से चार फ्रैगमेंट नहीं जनरेट हो सकता सर्कुलर डीएनए में, ये जनरेट हो सकता है लीनियर डीएनए में। अब लीनियर डीएनए में आपके पास ऑप्शन है बी ऑप्शन एज वेल एज डी ऑप्शन। इसको विजुलाइज करना है कैसे, अब इन्होंने दिया है कि इको आर वन, आप देखिए इको आर वन एक स्टिकी इंडेड एंजाइम है, मेंशनड है, दिखाया गया है कि ये स्टिकी है, और पीओबी जो है ब्लंट इंडेड है क्योंकि एकदम बीचों बीच कट कर रहा है।
तो पीयूवी सेकेंड इज अ ब्लंट एंडेड एंड इको आर वन इज अ स्टिकी एंडेड। अब इसी चीज को जरा समझिएगा कि वेन एवर यू सी दैट, यहां पे इको आर वन के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो इन दिस पर्टिकुलर इको आर वन डाइजेस्ट करेगा तो ये वाला एंड स्टिकी और ये वाला एंड भी स्टिकी होगा, यानी कि ये ब्लंट एंडेड, ये वाला फ्रैगमेंट का एक एंड स्टिकी होगा, ये वाला जो फ्रैगमेंट जनरेट होगा ये वाला एंड स्टिकी, ये वाला जो फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है इसका ये वाला एंड स्टिकी। इको आर वन यहां से डाइजेस्ट करेगा तो ये वाला एंड स्टिकी और 0.5 केबी वाला एंड भी स्टिकी, जबकि पीओवी सेकेंड करेगा तो दोनों तरफ ब्लंट ब्लंट करेगा, ये कहानी हो जाएगा। तो 3 KB आपका स्टिकी मिल रहा है लेबल्ड मिलेगा, 2 KB भी लेबल्ड मिलेगा और 0.5 KB भी लेबल्ड मिलेगा, लेकिन 1.5 KB का दोनों ही एंड ब्लंट है तो ये आपको लेबल्ड नहीं मिलेगा। 1.5 KB अनलेबल्ड जबकि 3 KB लेबल्ड, 2 KB लेबल्ड और 0.5 KB लेबल्ड, ठीक है। और ऑटो रेडियोग्राम में भी तो यही दे रहा है, देखिए 0.5 KB लेबल्ड, 2 KB लेबल्ड और 3 KB लेबल्ड, जबकि 1.5 KB लेबल्ड नहीं है, यही तो ऑटो रेडियोग्राम भी बता रहा है, तो ये तो ऑप्शन मैच कर जा रहा है, सीधी बात है, बहुत आसानी से, ठीक है। अब ये केस क्या है, डी ऑप्शन को वेरीफाई करो, डी ऑप्शन को जब वेरीफाई करोगे तो इको आर वन करेगा तो ये इंड स्टिकी हो जाएगा 3 KB का, ये इंड स्टिकी हो जाएगा 2 KB का, और इसके बाद जब 0.5 KB का देखोगे तो इको आर वन यहां पे है, अब इको आर वन डाइजेस्ट करोगे तो 0.5 KB का ये वाला इंड स्टिकी और 1.5 का ये वाला, इसमें सारे के सारे फ्रैगमेंट्स के जो है वन इंड स्टिकी हो जा रहे हैं, मतलब 1.5 KB वाला बैंड भी लेबल्ड हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन 1.5 KB का बैंड लेबल्ड नहीं होना चाहिए, अगर लेबल्ड होता तब ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन नहीं है इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाए, सीधी सी बात है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते थे, परेशान होने की जरूरत थी नहीं, लेकिन कभी कभी हम हो जाते हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।